अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं K4U न्यूज़। अभी हम है बेनीपट्टी प्रखंड में, मेघवन पंचायत के भावी उम्मीदवार अरफा खातून निवेदक अताउल्ला साहब उर्फ झगरू जी ने अपना नामांकन दर्ज करवा कर आए हैं अभी नामांकन सेंटर में। अभी हम उनके साथ मौजूद हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता है, उनके जो समर्थक है, काफ़ी खुश है और काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आप मेघवन पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने नामांकन दर्ज करवाया, मेरी कामना आपके साथ है। आप क्या बोलना चाहेंगे मेघवन पंचायत के? हाँ, मैं जो ऐसे मोहम्मद अताउल्ला, मेघवन पंचायत की जनता को जो ऐसे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं ये भ्रष्टाचार के खिलाफ़ और ये जो लोगों को तकलीफ़ है उसकी वजह से जो ऐसे हम लोगों को जो ऐसे आना पड़ा नौजवान तबका को, इसलिए जो ऐसे हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग जो ऐसे एक नौजवान और साफ़ सुथरे और बगैर दलाल वाली लोगों को जो ऐसे चुने, जो अपने इच्छा से और लोगों की जो ऐसे सेवा करें, यही मेरी कामना है। और सभी आदमी हमारा सपोर्ट करें, हम लोगों को हौसला अफजाई करें। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ जो इतना समर्थक है, कार्यकर्ता है, उन लोगों को, मेघवन पंचायत की जनता? ये सारे लोग दुखी हैं, जो 10 साल 20 साल से जो से लोग जो थे दलालों के चक्कर में पड़े हुए थे, ये सारे लोग जो पुराने प्रतिनिधि थे उनसे सारे के सारे जो लोग नाराज हैं, इस वजह से लोग जो ऐसे इस मरतबा बदलाव चाहते हैं। जी, आपका क्या मुद्दा होगा इस बार इलेक्शन लड़ने का? हमारा मुद्दा, बुनियादी मुद्दा ये होगा कि मैं सबसे पहले जो ऐसे वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, शिक्षा पे ध्यान दूंगा। छोटी छोटी जो चीज़ हैं, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं जिस पे, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दूंगा। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोगों के पास जो ऐसे स्वास्थ्य के बारे में जो ऐसे कुछ नहीं है, स्वास्थ्य की इतनी व्यवस्था बेकार है कि लोग जो ऐसे बिल्कुल स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ी चीज़ें तो होती रहती है, तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं जिनके पास जो लोग परेशान हैं, जिसके लिए मैं उस मुद्दे पे जाता। आप खुद भी एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, अगर आप जीत जाते हैं, हमारी कामना आपके साथ है कि आप जीत जाएं, तो आप शिक्षा विभाग में किस तरह से काम करें? शिक्षा में जो है सबसे पहले कि प्राथमिक शिक्षा में जो है टीचरों की जो है बहाली हो, और जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था जो है दुरुस्त होनी चाहिए। स्कूल की व्यवस्था दुर्व्यवस्था हुई है, उसको जो है ध्यान रखें। आपने एक चीज़ और भी कहा कि दलाली बहुत बढ़ी हुई है, इसको किस तरह से दूर करें? ये दलाली मतलब ये है कि जो ऐसे लोग जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो सीधे जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। लोग जो है सिर्फ दलालों के चक्कर में है, और दलाल जो है जनता तक जो है जो जनता का जो फंड होता है या जनता का जो काम होता है वो नहीं हो पाता है। सिर्फ दलालों के चक्कर में जो है लोग जो है रह जाते हैं, पूरा 5 साल गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे K4U न्यूज़। सबसे पहले इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।